खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण किसानों की साल भर की मेहनत पानी पानी हो गई। मंडियों में पानी भरने से किसानों की फसल खराब हो रही है। यमुनानगर अनाज मंडी से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुनानगर में देर रात आई अचानक बारिश के कारण यमुनानगर की अनाज मंडी में पड़ा हुआ धान काफी मात्रा में भीग चुका है। हजारों क्विंटल धान जो है वो भीग गया। उसके भीगने के पीछे जो कारण है वो मुख्य कारण यही है कि मंडी के अंदर अव्यवस्था, जिला प्रशासन द्वारा मंडी में प्रॉपर व्यवस्था ना की गई। मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो वो जगह है, जो सड़क है, इसके ऊपर मोस्टली क्या होता है, धान आने के बाद जो है यहाँ पर धान रखा जाता है, क्योंकि हालांकि जो फड़ है उनके ऊपर तो धान रखा जाता है, लेकिन ज्यादा धान आने के कारण इस सड़क के ऊपर भी जो धान की बोरियां जो है तलाई के बाद रखी जाती हैं, लेकिन प्रॉपर सफाई ना होने के कारण आप देख सकते हैं धान के अंदर से निकला हुआ ये जो वो कबाड़ है, इसके कारण जो है जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण पानी प्रॉपर मंडी में से नहीं निकल पाता। और हमारे साथ हैं मंडी के प्रधान मनीष कंबोज जी। हम मनीष जी से बात करते हैं। मनीष जी, क्या दिक्कत है मंडी के अंदर, जिस तरह से पानी की निकासी नहीं है, इसके पीछे क्या मानते हैं आप? इसके पीछे कारण है प्रशासन, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से 3 साल से पिछले इनसे एक रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, हमारी फाइल भी इनके पास पड़ी है कि जो मंडी में जो बरसाती पानी की निकासी के पॉइंट है वे ठीक किए जाए, और जो नया जो इनका प्रोजेक्ट आया था कि इस पूरी मंडी को RCC किया जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ, और CM ने खुद यहाँ पर प्रोग्राम में इसकी घोषणा भी की थी, तो ये सब लापरवाही है सर। देखिए मनीष जी, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ कि उठान ना होने का भी कोई ना कोई कारण है इसमें, जो मंडी में इतना धान भीग गया हजारों क्विंटल? सर देखिए, उठान अपने सही गति से चल रहा था, पर अराइवल जो है वो बहुत दुगनी स्पीड से मंडी में अब की बार आई है। इतनी अराइवल कभी नहीं होती थी, हमेशा अराइवल एक लेवल तक चलती थी, अब की बार जो लेवल है बहुत ऊपर तक था, बहुत स्पीड से धान आई है मंडी में, वो भी एक रीजन रहा है। पर मेन रीजन ये है कि जब सेट भर चुके हैं, सब जगह जगह सब जगह भर जाती है, तब हम जो है सड़क पर इसको जीरी को डालते हैं, और एकदम से अचानक से सुबह जो बरसात आई, एकदम से बरसात आने की वजह से ये सब जो मंडी में नुकसान हुआ है ये हुआ है, और ये भी नुकसान आड़ती का है, क्योंकि ये आड़ती और किसान का एक ऐसा रिश्ता है कि जब वो ट्रॉली लेके आड़ती के बार में आ जाता है तो उसके बाद उसकी सारी जिम्मेवारी, उसकी सब रख रखाव की जिम्मेवारी आड़ती की होती है, और अगर उसकी डेयरी बिक जाती है तब भी आड़ती कहता है कि मेरी है, तो बाकी जो खेत में अभी किसान की जो फसल नहीं कटी है, जो कटनी रह गई है या गिर चुकी है, उसमें नुकसान किसान को होता है। देखिए, ये थे हमारे साथ अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन यमुनानगर के प्रधान मनीष कंबोज जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ मंडी के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये सड़क RCC की बनती है तो कहीं ना कहीं जो है काफी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ अनाज मंडी को मिल पाएंगी। वहीं उनका ये भी कहना है कि जो शेड के नीचे धान की बोरियां लगा देते हैं, वो भर जाने के बाद मजबूरन सड़कों के ऊपर धान की बोरियां जो लगानी पड़ती हैं, और यही कारण है कि सड़क के ऊपर जो बोरियां पड़ी हैं वो काफी मात्रा में जो है बारिश के कारण जो है भीग चुकी हैं। जिला प्रशासन या मंडी प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसान या आड़ती का मंडी के अंदर अनाज आने के बाद कोई नुकसान ना हो।